आज हम बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल क्रिसमस केक या प्लम केक, वो भी मिनटों में बना के हम इसे तैयार करेंगे। आज के केक को हमने कुकर में बना के तैयार किया है। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र, मैं रितु जैन, रितुस क्रिएशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए फटाफट से प्लम केक की रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ हमने एक बाउल में आधा कप ऑरेंज जूस लिया है। यहाँ मैंने डिब्बे वाला ऑरेंज जूस लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, 10 से 12 हमने लिए है बादाम जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है, 2 टेबल स्पून जितनी ब्लैक किशमिश, 2 टेबल स्पून हमने ली है ग्रीन किशमिश, 10 से 15 हमने लिए हैं काजू जिसे हमने छोटे पीस में काट लिया है, 2 से 3 हमने लिए हैं अखरोट उसे भी हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, और इन सभी को हम जूस के अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितनी मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स कलर में टूटी फूटी 3 टेबल स्पून। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट को इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद ना हो उसे स्किप कर सकते हैं। इन सभी को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट होने रख देंगे जिससे सारे नट्स के अंदर जूस का फ्लेवर अच्छे से मिल जाए। फ्रेंड्स, प्लम केक को सर्दियों में इसीलिए बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नट्स और स्पाइसेस होते हैं जिसे खाने से सर्दी में बॉडी में गर्माहट रहती है और ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। आइए अब हमारे नेक्स्ट प्रोसेस को देख लेते हैं। यहाँ हमने लिया है एक पैन और उसमें हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी या शक्कर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप किसी भी कप या कटोरी का मेजरमेंट ले सकते हैं, उसी से आप सारे इन्ग्रीडियंट्स को नाप लें। अब हम यहाँ पर शक्कर को हाई फ्लेम पर कैरामलाइज करेंगे। चीनी को हम अच्छे से स्पून से हिलाते हुए कैरामलाइज करेंगे जिससे चीनी पैन में जले ना और हमारे केक के अंदर जो कैरामलाइज वाला फ्लेवर है बहुत अच्छे से आए। यहाँ पर चीनी अच्छे से कैरामलाइज हो चुकी है, आप देखेंगे चीनी का कलर एकदम चेंज हो चुका है और अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को 1 मिनट के लिए फिर से ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर लेंगे और एक बॉईल आने तक हम इसे पका लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, क्योंकि हम ये केक कुकर में बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हम कुकर की विसल्स और रिंग को निकाल लेंगे और इसे हम प्रीहीट होने रख देंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप कुकर में केक बनाएं, कुकर को पहले प्रीहीट जरूर करें। इसके अंदर हम एक रिंग को रख देंगे। यदि आपके पास इस तरह की जाली ना हो तो आप यहाँ पर किसी भी कटोरी को उल्टा करके कुकर के अंदर रख सकते हैं। अब हम जिस कंटेनर में केक को बनाने वाले हैं उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर बटर पेपर लगाकर फिर से ब्रश को घुमा लेंगे। आप यदि इसमें बटर पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो इसमें सूखा मैदा डस्ट करके एक्स्ट्रा मैदा हो उसे निकाल लें। हमारा कंटेनर भी तैयार है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एक बाउल लेंगे, उसमें 1/4 कप ऑयल लेंगे। यहाँ पर हम नॉन फ्लेवर्ड ऑयल लेंगे जिसमें अपनी स्मेल ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दूध। यहाँ पर हमने दूध नॉर्मल टेम्परेचर वाला लिया है। अब हम दूध और तेल को 1 मिनट के लिए अच्छे से विस्क से फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध एक क्रीमी टेक्सचर में आके तैयार है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। बाउल पे हम रखेंगे एक स्ट्रेनर और इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर डालने से केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट, नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, 1/4 टीस्पून लौंग पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और यहाँ पर हम लेंगे जायफल जिसे हम 1 पिंच मतलब 2 से 3 बार इसे ग्रेट कर लेंगे। इन सभी स्पाइसेस का फ्लेवर केक में बहुत अच्छा आता है। इन सभी को छान लेंगे। इन सभी को हम स्पेचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे भीगे हुए नट्स। और कैरमलाइज शुगर हम एक बार आधा डालेंगे, उसके बाद में बाकी का बाद में डालेंगे। हम इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। कट एंड फोल्ड वाले मेथड के साथ हम इसे मिक्स करेंगे। हमें इसे यहाँ पर ज़्यादा नहीं फेंटना है। बाकी का शुगर सिरप भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस रेशो के अंदर ये शुगर एकदम परफेक्ट है। हम इसे धीरे धीरे करते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 बूंद वेनिला एसेंस की और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा केक बैटर कंटेनर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे कंटेनर में डाल देंगे। और कंटेनर को हम 2 से 3 बार इस तरह टैप कर लेंगे। अब हम कंटेनर को प्री हीटेड कुकर में रख देंगे। स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 30 से 35 मिनट तक इसी तरह कुक होने देंगे। 35 मिनट बाद हम कुकर को खोलेंगे और केक को ऊपर से कटे हुए काजू, टूटी फूटी बादाम और मेलन सीड से डेकोरेट या गार्निश कर लेंगे और इसे फिर से ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट कुक होने देंगे। फ्रेंड्स, यदि हम डेकोरेशन पहले करते तो वो केक में नीचे की तरफ बैठ जाता, इसलिए हमने यहाँ पर डेकोरेशन या गार्निशिंग इसे बाद में किया है। 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार केक को चेक कर लेते हैं। हमारा केक बनके तैयार है। अब हम इसे टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे। हमारी टूथपिक एकदम क्लियर आई है। बीच में भी हम एक बार टूथपिक को डाल देंगे। बीच में भी हमारा केक अच्छे से पक्के तैयार है। अब हम कंटेनर को कुकर में से निकाल लेंगे और इसे एकदम ठंडा होने देंगे। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमारा केक डीमोल्ड हो गया है। अब हम इसमें से बटर पेपर को हटा लेंगे। क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनके तैयार है। अब हम इसे कट करके देख लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरह कुकर में इस केक को ज़रूर बना के देखें। आपको यह केक रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस क्रिसमस पर आप इस प्लम केक रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को इंजॉय करें। ऐसी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल में एक बार ज़रूर विज़िट करें। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।